देन ओवैसी जैसे लोग आए, इन्हें भी है और आगे मैं तो चाहता हूँ कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी को। और हम ये क्यों कहते हो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने या और कोई बने, भाई आप आओ असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बने आज। और असदुद्दीन ओवैसी संविधान को जानते हैं, उसके जानकार हैं, यही वजह है कि वो बार बार जो सांसद बन रहे हैं देश की जनता चुन रही है, सभी लोगों ने चुना है, हिंदू या मुसलमान उन्होंने नहीं। रियासत खत्म कर देना है, रियासत तो खत्म दिख रही होगी आप। हाँ, रियासत के चक्कर में भाजपा की सियासत खत्म हो रही है भाई, इनकी सियासत खत्म। देखो राम ने खुद पिछवाड़े पे लाद दिए इनके, वहाँ अयोध्या से हरा दिया, फैजाबाद से हरा दिया। अच्छे लोग हैं वो जीतेंगे और ये अच्छी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से काम करते हैं इतने समय से आ रहे हैं, तो उनकी जीत निश्चित है। और तेरे जैसी महिला क्या हराएगी, कोई टॉप मोस्ट लीडर भी बीजेपी का जाता तो उसकी भी हारी होती। अयोध्या में जाके खुद भाजपा के प्रत्याशी को बुरी तरीके से हरा दिया अयोध्या वासियों ने, तो ये इसको अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत है, इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से हैदराबाद से जो असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जीते रिकॉर्ड बहुमत से। वही जो अगर बात किया जाए तो माधवी लता जिनके जो तमाम वीडियो वायरल हुए थे, कह रही थी कि 1 लाख ज़्यादा वोटों से असदुद्दीन ओवैसी को हराएंगी। वही तस्वीर जो वायरल हुई थी आपने देखा होगा कि मस्जिद के ऊपर जो तीर चला रही थी। नवनीत राणा की बात की जाए, क्योंकि कह रही थी कि छोटे ओवैसी 15 मिनट की बात कर रहे थे, 15 मिनट में हम क्या से क्या कर देंगे। दोनों लोग जो चुनाव हार चुकी है, नंदा भाई से बात कर, नंदा भाई कैसे देख रही हैं जिस तरह के बयानबाजी हुई, तीर चलाई गई मस्जिद के ऊपर, इशारा किया गया था, किस माधवी लता की तरफ से किस देख रहे हैं? वैसे ही वहाँ पर रिकॉर्ड बहुमत से जीते हैं। देखिए, जो जैसी हरकतें करता उसको नतीजा मिल जाता है। कितनी बुरी हालत हुई है, पसीने में घूमती रही, रहती रही है। तो कई बार तो लोग समझ नहीं पा रहे थे ये महिला है या पुरुष है, पता नहीं किसको खड़ा कर दिया। उसकी हरकतें ऐसी थी भाई, देश का जो नेतृत्व करने के लिए कोई नेत्री आती है उसमें शालीनता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए लोगों के प्रति। उसकी जो हरकतें थी वो छिछोरियों जैसी थी, तो छिछोरियों के साथ जो किया जाता है वो हैदराबाद की जनता ने किया, वो करके दिखा दिया। अब वो कहती है 15 मिनट, और इसको भाई 15 मिनट की छोड़, 5 मिनट में काम हो जाते हैं सारे, हैं चली जा छोटे नवाब के पास, हाँ खाब पूरे हो जाएंगे तेरे। कह रहे थे छोटे ओवैसी जो है 15 मिनट की बात कर रहे थे। हाँ, तो ओवैसी क्या करेंगे 15 मिनट में, तुझे डर है, तुझे ही डर है। पूरे देश में और नहीं रहते क्या लोग? और भी तो लोग रहते हैं भारत में, उन्होंने तो नहीं उसके ऊपर सवाल उठाया। मैं तू बैठी अकेली, तेरे साथ कोई दिक्कत हो सकती है छोटे ओवैसी के साथ? कहीं ऐसी की वैसी, तैसी की पैसी तो नहीं करती ओवैसी? ओवैसी है ओवैसी सपने में आ रहे हैं ओवैसी बंधु तेरे? तो ये तू बता तेरे सपने में क्यों आ रहे हैं ओवैसी बंधु? जब ही सपने में आते हैं जब किसी को इश्क हो जाए या नफरत हो जाए, तो ये नफरत है या इश्क, इसका खुलासा कर जल्दी। लेकिन जिस तरह से माधवी लता कह रही थी कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे चुनाव, भाजपा वहाँ जीतेगी, लेकिन जिस तरह से आपने रिजल्ट देखे ना, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है भाई, जो एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हो। कॉन्फिडेंस आप नहीं देख रहे? हाँ, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं था, उसकी हालत ऐसी थी। मैं कह तो रहा हूँ, उसका ये नहीं पता चल रहा था पुरुष है या महिला है। हम लोग खुद देखते थे उसको यूट्यूब पे, हम कहते यार औरत है या आदमी है, कौन है, किसको खड़ा कर दिया? जानी मानी जो है, मैं नहीं जानता भाई, मेरे को तो हिजड़ा लगती थी वो, सही बता रहा हूँ। महिला है आप? अरे मेरा, अब मुझे पता है ना कि महिला, आपने बताया कि महिला है, मगर मेरे, मैं तो सोच रहा किसी किन्नर को खड़ा कर दिया है और ऐसी हरकतें कर रही है ये या कर रहा है वो। तो जिस प्रकार से कोई मंदिर या मस्जिद को दिखा के, ये कोई इससे थोड़ी है, पूरे देश 10 साल से यही झेल रहा है, हिंदू मुसलमान नौटंकी, तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। अयोध्या में जाके खुद भाजपा के प्रत्याशी को बुरी तरीके से हरा दिया अयोध्या वासियों ने, तो ये इसको अब कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि आप मंदिर को दिखाओ, मस्जिद को दिखाओ, धर्म मजहब की बात करोगे, इसको कोई तवज्जो भारत का आदमी नहीं दे रहा। सही कैंडिडेट है चाहे ओवैसी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई और हो, जो अच्छे लोग हैं वो जीतेंगे। और ये अच्छी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से काम करते हैं इतने समय से आ रहे हैं, तो उनकी जीत निश्चित है। और तेरे जैसी महिला क्या हराएगी, कोई टॉप मोस्ट लीडर भी बीजेपी का जाता तो उसकी भी हारी होती। ये बेकार की बातें हैं कि हम जीत रहे या हो रहे, नौटंकी हर एक आदमी करता है, और असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले का हैदराबाद में कोई सांसद हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह के भाजपा के तमाम जो आला कमान के लोग जा रहे थे, होम मिनिस्टर खुद गए, कह रहे रियासत ख़त्म कर देना है, तो रियासत तो खत्म दिख रही होगी आप? हाँ, रियासत के चक्कर में भाजपा की सियासत खत्म हो रही है भाई, इनकी सियासत खत्म। देखो राम ने खुद पिछवाड़े पे लाद दिए इनके, वहाँ अयोध्या से हरा दिया, फैजाबाद से हरा दिया, इनकी स्थितियाँ कमजोर हो गई, तो ये उसके हैदराबाद की जो है रियासत नहीं ला सकते, इनके बस की नहीं है। क्योंकि भाई वो तो काम कर ही रहे हैं, आज से थोड़ी सांसद है, कितनी बार सांसद बन चुके, विधायक उनके भाई रहते हैं,
तो जो आदमी जनता के हित में काम करता है और जनहित में काम कर रहा हो उसे कोई नहीं हटा सकता। तुम जैसे मैं फिर कह दूंगा तो कहेंगे भैया ये बोल दिया कुछ भी, गाली आ रही थी बहुत बुरी, रोकी है मैंने उसे। है तुम जैसे पता नहीं कितने उठाई घिरे घूमते हैं, कितने जुमलेबाज की नाजायज संतानें घूमते हैं, कितने गांधियों को गोली मारते हैं उनकी नाजायज संतान हो तुम। तुम जैसे लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। भारत में के लोग समझ चुके हैं कि तुम लोग जो है लोगों को गुमराह करते हो, लोगों को लड़ाना चाहते हो, और देश की जनता समझ चुकी है। और कहीं ऐसा ना हो स्थितियां तो ये ईवीएम मशीन थी, नहीं तो ये असुविधा ना हो वैसे पता नहीं कितने लाख वोटों से जीतते। तो ये मशीन का खेल है। जो माधवी लता को दो चार वोट पड़ भी गए वो पड़ गए नहीं, हैदराबाद की जनता उन्हें वोट ही नहीं देना चाहती थी जैसी उसकी हरकतें थी। अच्छा आपने जो तस्वीरें देखी थी, वीडियो देखी थी, जो तीर का निशान लगा के मशीन की तरफ, हाँ वो कुछ नहीं है, कई जगह करती है, हर जगह लोग कहते थे वैसे ही करती थी। समझे तीर कम टेढ़ा होता था उसका पिछवाड़ा ज़्यादा टेढ़ा होता था, फिर ऐसे करके मार देती थी। पिछवाड़ा क्यों इतना लहकता था तेरा, ये समझ नहीं आई मेरी। टेढ़ा कर देती थी पिछवाड़ा पूरा, फिर झटका मारती थी, किसने धक्का मारा भाई इतना झटका मार दिया तूने, गई ना काम से। अरे अच्छे बात है प्रचार आपने देखा कितना, अरे चुनाव प्रचार यार इतना छिछोरपन से होता है चुनाव प्रचार, छिछोरपन करती थी वो। अरे मेहनत कोई मेहनत, महिला होकर के टक्कर देना वैसी को कम बड़ी बात थोड़ी है। महिला थी या महिला थी मुझे क्या मालूम क्या थी वो जाने अपने हिसाब से, मगर हार गई ना। सारा नोटक नोटंग की थी, कमान सब घुस गए पिछवाड़े में। अरे अच्छे तरीके से चुनाव लड़ो, मुद्दों पे चुनाव लड़ो, राष्ट्रहित में चुनाव लड़ो। पाखंड और ढोंग जो करेगा ना अंतर मंत्र ये, अभी तो कहीं जा पंडित मंदिर में बैठ जा, कहीं भभूत लगा के वहाँ बैठ जा चुड़ैल बन के, वहाँ अच्छे पैसे मिल जाएंगे, दक्षिणा मिलती रहेगी, वहीं करती रहे अंतर मंत्र। ये भूल जा क्या अंतर मंत्र मानना, ये सब देख लिया, ढोंग पाखंड देख लिया बहुत, इससे नहीं देश चलने वाला। देश चलता संविधान से, संविधान के बारे में जान। लोकतंत्र मजबूत जभी रह सकता है जो संविधान को जानने वाले आएंगे, और असहबुद्दीन ओवैसी संविधान को जानते हैं, उसके जानकार हैं। यही वजह है कि वो बार बार जो सांसद बन रहे हैं देश की जनता चुन रही है, सभी लोगों ने चुना है, हिंदू या मुसलमान उन्होंने नहीं, भारत के इतने भी लोग जो सभी प्रकार के सभी जाति कौमों के लोग रहते हैं, हैदराबाद ने सबने वोट दिया है असहबुद्दीन ओवैसी को। तो ये है लोकतंत्र की खूबसूरती संविधान की, जो असहबुद्दीन ओवैसी जीत के आए। अच्छा आखिरी में एक सवाल लेना है कि जिस तरह असहबुद्दीन ओवैसी का बयान आया, कह रहे हैं कि हम जो है मोदी को हराने के लिए जो है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने इसलिए हम जो है इंडिया को सपोर्ट करेंगे, या मोदी दूसरे जो लोग प्रधानमंत्री बने उनको सपोर्ट करें, लेकिन बी टीम का जो तमगा लगा हुआ है उनके ऊपर कि बी टीम भाजपा के लिए काम करते हैं, जब भाजपा के लिए काम करते हैं तो फिर भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हो? देखिए ए और बी टीम तो कांग्रेस भाजपा ये सभी जानते, पूरा देश जानता है, इनको RSS चलाती है, और अगर इनका कोई खिलाफत करे कांग्रेस का भाजपा का तो वो कभी कहेगा उसका भी ए टीम है, कोई कहेगा उसका बी टीम है। तो ए बी टीम वाले ये तो छिछोरे हैं, ये वो चुगलखोर हैं, ये RSS के वो नुमाइंदे हैं जो कोई भी भाजपा के खिलाफ बोले या कांग्रेस के खिलाफ बोले उसी के ऊपर टारगेट करते हैं। पाखंडवादी लोग हैं जो धर्म मजहब के नाम पर देश को लड़ाते हैं, वो लोग टारगेट करते हैं, उनको ए बी टीम बताते हैं। इसी प्रकार मायावती को बोलते थे कि ए बी टीम है भाजपा। क्या लग रहा है कि आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को कहना चाहता हूँ अच्छे लोग आएँ, आगे आएँ, असहबुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आए, इन्हें भी है, और आगे मैं तो चाहता हूँ कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए असहबुद्दीन ओवैसी को। और हम ये क्यों कहते हो कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने या और कोई बने, भाई आप आओ असहबुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बने, आजम खान साहब जैसे लोग प्रधानमंत्री बने। ये देश में सबको अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का, और लोग विश्वास जीतते हैं, और आप जीत रहे हो विश्वास हैदराबाद की जनता का, मगर उससे ही बाहर निकल के आओगे। लोग ये नहीं सोचते कि वैसे असहबुद्दीन ओवैसी को, ये लोग जो दूसरे नफरत बोल रहे हैं, ये नफरतों का दौर खत्म हो गया है, अब मोहब्बतें चलने वाली हैं, देश को आगे बढ़ना है तो सोचना होगा, विचारधारा पर लोग वोट देंगे, और आप संविधानवादी हो इसलिए लोग आपकी ओर आकर्षित हैं, असहबुद्दीन ओवैसी के साथ लोग जाएंगे, ईमानदारी से आएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या राय इस वीडियो पे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।